सब जन हट जाइए, रखो चार हजार राशन के किट हलके असेंबली चंद्रायन गुट्टे में तकसीम किए जाने वाले हैं और उसके साथ ही साथ 3,000 खाना जो पकाया गया है उसके भी पैकेट्स हलके असेंबली चंद्रायन गुट्टे में आज वो भी तकसीम किए जाएंगे। और मैंने अपनी जानिब से सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल अनाज के पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है और अनाज के पैकेट्स के साथ ही साथ माह रमज़ान में रोज़ाना करीब 3,000 लोगों के घरों तक पका हुआ खाना पहुंचाने का भी का इंतज़ाम भी हमने किया है और ये काम बखूबी कामयाबी के साथ बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलके असेंबली चंद्रायन गुट्टे के कॉरपोरेटर और हमारी एक 5 रुकनी टीम जो यहाँ पर इस काम की निगरानी जनाब नूरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, और उनके साथ जनाब नसीर गयाज साहब हैं, समद बिन अब्दाद साहब हैं, फहाद बिन अब्दाद साहब हैं, वहाब साहब हैं और सईद साहब हैं। ये सारे लोग ज़िम्मेदार हैं अनाज के ख़रीदी के लिए, फिर यहाँ तक लाने का इंतज़ाम भी उनकी ज़िम्मेदारी में है और फिर यहाँ पे पैकेट्स बनाने का काम भी उन्हीं की निगरानी में किया जा रहा है।
और अब तक 3.5 करोड़ रुपये का सरफा हो चुका है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। और फिर रोज़ाना ये 3,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम है, ये एक और इजाफा ख़र्चा है जो हम कर रहे हैं। और अब तक के हमने 4 अप्रैल को पहली वक्त हमने हलफ़ असम्बली चंद्रायन गुट्टे में करीब 5,000 राशन के किट्स की तकसीम के सिलसिले का आगाज़ किया था। तो 4 तारीख से लेकर आज की तारीख तक मुसलसिल वक्तन फ़क्तन हम अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हलफ़ असम्बली चंद्रायन गुट्टे में जहाँ जहाँ भी हो सकता है वहाँ अनाज पहुँचाएँ, और फिर चंद्रायन गुट्टे के बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे हलफ़ जात में हमने 1,000 बैग्स की तकसीम की है, और फिर कारवान में भी हमने किया है, अंबरपेट में किया है, पुराना पुल डिवीज़न जो चार मीनार हलफ़ असम्बली में वहाँ पर भी किया है, राजेंद्र नगर में भी हमने किया है, और फिर हमने झिर्रा के इलाके में उस इलाके में भी गोशा हमेल असम्बली कॉन्स्टेंसी में भी किया है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दूसरे इलाकों से जो लोग आए हैं उनको भी घरों तक पहुंचाने के लिए जनाब माजिद हुसैन साहब को ज़िम्मेदारी दी थी। और हमको जहां कहीं से भी बिहारी के हो या फिर उत्तर प्रदेश के हो या फिर झारखंड के हो या फिर महाराष्ट्र के हो, कहीं अगर फंसे हुए हैं लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, उनके लिए माजिद साहब की निगरानी में उनके घरों तक पहुंचाने का काम वो भी जारी है। 500 राशन के किट्स हम भेजे हैं, और फिर उसके बाद में और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम भेजते रहेंगे। हलफ़ असम्बली चंद्रायन गुट्टे में भी हम मुसलसल भेजते आए हैं, भेज रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी भेजेंगे। मुशीराबाद में भी हमने भेजा, बोरा बंडे में भी हम भेजे, बेगमपेट में भी, और फिर ये महेश्वरम शाहीन नगर के इलाके में हमने अब तक 2,000 से ज़ायद बैग हमारी जानिब से राशन के किट्स वहाँ पर भी हम भेज चुके हैं। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है मदद करने की, और ये भी एक हकीकत है कि हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में अनाज नहीं है, भूखे हैं, और हमारी कोशिश के बावजूद भी हम उन तक नहीं पहुंच सक रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमारी ज़ात से यह अनाज पहुंचाने के लिए, और फिर दूसरे भी असाब जो जो भी एनजीओज या जो भी दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भूखों तक खाना पहुंचाने की, मैं उन तमाम का भी ममनून हूं, मशकूर हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूंगा कि ये हालात ऐसे हैं कि इन हालात में हमको सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जो भी कोशिश हो रही है मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, रियासती हुकूमत की जानिब से भी हो रही है, कई एनजीओज भी कर रहे हैं, और हम हमारी जानिब से भी हम कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है करना है, और हमको एक दूसरे पर तनखीद नहीं करना है या इल्ज़ाम नहीं लगाना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है जो इस ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। सारे लोगों का, सारे एनजीओस का, सारी तंजीमों का, और सफाई के अमले का, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर्स का, और फिर नर्सिंग स्टाफ का, फिर दूसरे लोगों का जो जो भी काम कर रहे हैं। बिलखुसूस मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, गांधी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, गांधी हॉस्पिटल के दूसरे क्लास 4 के एम्प्लॉयज़, और वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उन सब का, कि सारे लोगों की कोशिश है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि बाज़ जगहों पे शिकायत है ज़रूर, थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं, इंसान बशर है, हमसे भी हो रही हैं गलतियाँ, दूसरों से भी हो रही होगी, लेकिन पुलिस भी
काम कर रही है सुबह से शाम तक, कोशिश कर रही है। और सारे लोगों की कोशिश क्या है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आशा वर्कर्स हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हुकूमतें हों, सबकी कोशिश ये है कि परेशान हाल लोगों की मदद हो, भूखों की मदद हो और जो मुसीबत में है उनकी मदद हो। तो हर कोई अपनी जानिब से कोशिश कर रहा है और हर कोई काबिल मुबारकबाद है। अवामी नुमाइंदे भी अपनी तौर से जो भी हो सकता है कर रहे हैं, गुजरा भी कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिलकर करना है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि अगर मेरे काम में कहीं पर कोई खामी है, कोई कमज़ोरी है जिसको दूर किया जा सकता है, तो ज़रूर मुझ पर भी तनख़ीद करें, मैं तनख़ीद को कबूल करने तैयार हूँ। क्योंकि मेरी नीयत, मेरा मकसद ये है कि कुछ काम हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस काम में आप सब का भी तआवुन इसी तरीके से रहेगा। काबिले मुबारकबाद है रियासती हुकूमत जो गच्ची बौली में एक 1500 बिस्तर का दवाखाना बनाए हैं, इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूं हेल्थ मिनिस्टर एटला राजेंद्र साहब को कि बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान नहीं है। हम भी ओवेसी हॉस्पिटल के कैंपस में एक 250 बिस्तर का एक अलहदा दवाखाना कह रहा हूँ, मैं 250 बिस्तर का अलहदा ओवेसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक दूसरी बिल्डिंग में हमने बनाया है। तो मैं जानता हूँ कि ये हॉस्पिटल को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम 250 बिस्तर का बनाए हैं और कितनी तकालीफ हुई है हम जानते हैं। तो 1500 का दवाखाना बनाना काबिल मुबारकबाद है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है और हमने भी हमारे ओएसी हॉस्पिटल के कैंपस में ओएसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम दिया है, ओसिड, ओएसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, जहाँ पे 250 बिस्तर का इंतज़ाम है और 20 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ, मॉनिटर्स के साथ। और उसके साथ साथ हमने वहाँ पे क्रिएट किया है एक 7 बेड्स डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए भी, कि अगर डायलिसिस होता है। और उसके साथ साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ साथ वहाँ पे सीटी स्कैन भी है, अलहदा सीटी स्कैन, ओवेसी हॉस्पिटल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो बनाए हैं वहाँ पे एक सीटी स्कैन भी है। और फिर वहाँ पे एक्सरे मशीन्स भी है, नर्सिंग स्टाफ है। रोज़ाना हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वबा अगर फैलती है उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हम भी अपने तौर से तैयार रहने के लिए कोशिश करते हुए ये एहतमाम करें हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास RT-PCR एक मशीन होता है जिसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है और इसके लेवल 1 लेवल। तो हमारा जो वायरोलॉजी का लैब है, जो RT-PCR है, ये लेवल 3 का है। तो इंशाल्लाह हम इसके परमिशन के लिए भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद में जब परमिशन आएगा तो इंशाल्लाह जो लैब है PCR मशीन जो है, इसमें हम दिन में 250 टेस्ट कर सकते हैं दिन में, और ये रिपोर्ट्स हम 3 घंटे में दे सकते हैं। ऐसा हमारा इक्विपमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह, और ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये करेंगे। क्योंकि आने वाले दौर में ज़रूर हमको जो भी पेशेंट को दवाखाने में लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने के बाद लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है क्योंकि हमारे OPs अब बंद हैं। अब OPs को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमको हमारे डॉक्टर्स की जान की भी हिफाजत करनी है, हमारे इक्विपमेंट को भी बचाना है इस बीमारी से, वायरस से, हमारे हॉस्पिटल को भी बचाना है और उसके साथ साथ बीमारों को भी इलाज का इंतज़ाम करना है। क्योंकि कई बीमार लोग हैं जो आज इलाज से महरूम हैं कि उनका इलाज नहीं कर सक रहे हैं कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहकर नहीं इलाज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी
हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाए जहाँ पे 12 बेड्स रखेंगे हम। जो भी पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हम उनको एडमिट कर उनका स्वाब लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो जब हम उनको हॉस्पिटल में लेकर उनकी सर्जरी करेंगे, उनका जो भी इलाज है करेंगे। क्योंकि अगर अगर हम